ये जो अटैक था, ये दो भाई थे, दोनों यंग ब्रदर्स थे, एक जॉन और यू करके थे। इन लोगों ने मिलकर एक सिंपल रैंसमवेयर अटैक करने की कोशिश किया था, ज्यादा बड़ा इसमें कुछ भी नहीं था। मतलब आप जैसे होता ना एंटीवायरस, सॉरी वायरस जैसे निकलते हैं, उसी तरीके से इन्होंने अपना एक वायरस सॉर्ट ऑफ निकालने की कोशिश की थी, जिसको रैंसमवेयर बोला गया। यहां से मेन शुरू हुआ था 2005 से रैंसमवेयर होना। बट अगेन 2005 में भी आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी थी नहीं, तो क्या हुआ, ई गोल्ड में लिया पैसा। 2005 में जो सबसे पहला, जिसको हम सबसे पहला रैंसमवेयर कहते हैं एक्चुअली में, वो 2005 का था, जिसमें पैसा लिया गया ई गोल्ड में। अगेन ई गोल्ड में भी पता करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो भी एक अकाउंट नंबर की सॉर्ट ऑफ होता है, और उसमें गोल्ड आपका ट्रांसफर हो जाता है उतने अमाउंट का। देन रैंसमवेयर वर्ड यूज हुआ रिवेन्यू जनरेशन, इसको जनरल है जो हिस्ट्री है उसके बारे में था, बट असली जो है 2005 से हमारा शुरू हुआ था रैंसमवेयर। ये पुलिसवाला अटैक है, एफबीआई रैंसमवेयर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि पुलिस की एक स्क्रीन आ गई आपके उस पे ना, अभी आप अपने फोन में यहां से निकलोगे ना, बाहर निकलते ही एक स्क्रीन दिखेगी ना। मैं अभी एक ट्रोजन, जहां पे जितने लोग बैठे हैं, जिन जिनका अपना वाईफाई ऑन है, उन सब पे मैं छोड़ देता हूं, ठीक, और उन पे जैसे ही बाहर निकलेंगे, अच्छा आपने ये इलीगल एक्टिविटीज करी है अपने मोबाइल फोन में, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप के डेटा में ये चीजें पड़ी हुई हैं, सब मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अपने डेटा को या अपने आप को सेव करना चाहते हो तो मुझे इतना पैसा दो। बिटकॉइन का है, जनरली बिटकॉइन का सब सुनेंगे, और बिटकॉइन कैसे जनरेट हुआ, कहां से जनरेट हुआ है, उसकी हिस्ट्री है, पुराना डेटा है, नया नहीं है। फर्स्ट मेजर रैंसमवेयर अटैक 2005 में रैंसमवेयर तो हुए थे, बट क्रिप्टो करेंसी वाले नहीं हुए थे। उसके बाद 2013 में एक हुआ था आपका, जिसमें 400 बिटकॉइंस मांगे गए थे। देन नेक्स्ट आपका हुआ कॉपी कैट करके था, 4 दिन के लिए रैंसमवेयर। डिफरेंट अटैक्स हैं, ठीक है, जनरल कोई उसमें काम का होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये अटैक के नेम है बस, ठीक है, अटैक्स के नेम है जो जनरली अभी तक हुए हैं रैंसमवेयर। 50% इंक्रीज इन वन ईयर, दैट इज एक डेढ़ साल पुराना डेटा है। अगर डेढ़ साल पुराने डेटा में हमने 50% का इंक्रीमेंट दिया है अटैक्स में, अर्निंग में, तो सोचिए अभी हम कितने लेवल पे जा रहे हैं। बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है आज की डेट में रैंसमवेयर। और इतना फैलता किससे है, सारे टोरेंट्स, हमारे सारे सोशल मीडिया से, ठीक है, पर जहां हमें नहीं जाना चाहिए वहां से। अच्छा अभी क्या है कि क्योंकि सिस्टम और फोन तो ठीक है, सिस्टम और फोन के अलावा अब हम बढ़ रहे हैं कुछ अलग टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, राइट। हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं, क्लाउड का यूज कर रहे हैं, आईओटी का यूज कर रहे हैं ना भाई, यही सारी चीजें तो आ रही हैं। सोचिए इन सब चीजों में भी रैंसमवेयर अटैक आ रहा है। आपने एक ऐड देखा है, मेरे पास अभी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, टेक्नोलॉजी का ऐड था शायद, देखो मैं बताता हूँ क्या था। सुबह उठते ही एआई, मतलब सॉर्ट ऑफ एलेक्सा है ना, आजकल एलेक्सा के ऊपर जो भी खूब आए थे, सो सॉर्ट ऑफ एलेक्सा जो है उसने कहा कि गुड मॉर्निंग, ये वो, और आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप चले जाइए नहा लीजिए। नहाने गए भाई साहब तो उनको नहा भी खुद ही दिया, आपको कुछ नहीं करना पड़े, तो सिर्फ आप खड़े हो गए नहा लिए, नहाने के बाद कपड़े भी आपको खुद ही पहनवा दिए, ठीक, पहन के आप, मतलब सब कुछ वॉइस कमांड पे चल रहा है, एआई है, वॉइस कमांड पे चल रहा है, ठीक। वॉइस कमांड पे उसने कहा ब्रेकफास्ट भी आ गया, आप अपना न्यूज पढ़ रहे हैं फोन में, उतनी देर में वो ब्रेकफास्ट आपको करवा रहा है खुद से, आपको कहीं हाथ नहीं चलाना है, सब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक। आप ऑफिस गए, ऑफिस जाने के लिए गाड़ी आपकी अपने आप खड़ी है, गेट खुला, आप बैठे, ऑटोलेस मतलब ड्राइवरलेस जो कार है उसमें आप चले गए, ठीक है। सपोज ऑफिस में ठंडा पानी पी लिया और गला बैठ गया शाम तक, शाम को जब आए बारिश पड़ी है बहुत तेज, एंड देखा है बता नहीं देखा है ना, जिनको नहीं देखा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब बारिश पड़ रही है बहुत तेज और आप बोले जा रहे हैं ओपन द डोर, वो कह रहे हैं नो वॉइस इज नॉट मैच, ओपन द डोर, आप अपने ही घर में एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये टाइम भी बहुत जल्दी आएगा जब हम अपने ही
इंटरनेट को लेके आए ईज के लिए, बट इंटरनेट ईज से ज्यादा पॉसिबल बन गया है। व्हाट्सएप फेसबुक आया ईज के लिए, ताकि हम अपने दोस्तों को याद कर सके, दोस्तों से मिल सके, एक कॉन्टेक्ट में रह सके, बट ये मुसीबत बन गया है। क्यों? हम लोग पहले सुबह उठते थे, मुझे याद है अच्छे से, जब फोन नहीं हुआ करते थे, उठेंगे सब बड़े बोलते थे पहले अपना हाथ देखो, ठीक है, आंखों पे ये करो, फिर उठो, बड़ों के चरण स्पर्श करिए, सूरज निकल गया है तो उनको देख लीजिए, तमाम चीजें। अभी क्या हो गए, व्हाट्सएप पे कितने नोटिफिकेशन है, फेसबुक पे कितने आए, टिंडर पे राइट कर दिया, राइट कर दिया, कितने हुए, नींद नींद में भी ये सब चीजें याद रहती हैं हमें, ये चीज है। तो क्लाउड रैंसमवेयर अभी शिफ्ट हुआ क्लाउड के ऊपर, क्लाउड में जितने भी हमारे टाइप के मॉडल्स हैं, हर मॉडल पे अभी रैंसमवेयर लगने लगा है। आईओटी मैंने आपको बताया, ठीक है, जितनी आईओटी डिवाइसेस हैं अगर वो हैक हो गई, आपने वो देखा एक सिक्स सेंस करके ऐड आता था, पहले आता था, अभी नहीं आता है, टीवी पे ऐड आता था ना, वो वॉशिंग मशीन सिक्स सेंस है, इसमें कौन सी प्रिंटिंग प्रिंटर थी या ये हीरोइन थी, या आजकल वो आता है कि सब वॉइस बेस है, मैंने वो अभी तक बच्चों ने कौन है कि वो मैंने बैठे बैठे यहाँ से ऑन ऑफ कर रहा है एसी, अगर वो तो मजे में दिखा रहे कि देखो मेरा यहाँ से वो चेंज कर रहा है, उसको हैक कर लो आप लोग, ठीक है, और ठंडी में टेम्परेचर कर दो 18 और ऐसा कमांड लगा दो कि ऑफ ना कर पाए, तभी क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, यात्रा हो जाएगी लंबी वाली। आईओटी रैंसमवेयर अभी आईओटी पे मूव कर रहा है, ये आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से रैंसमवेयर अटैक कर सकते हैं, बताऊंगा नहीं कैसे, नहीं तो पहले वाले देखते हैं, ठीक है, बट आप DIY सुना है आपने, डू इट योरसेल्फ, हाँ, आप डू इट योरसेल्फ पे नॉर्मल ब्राउजर पे जाएंगे नहीं मिलेगा, ठीक है, सर्च करिए डार्क वेब, सॉरी डीप वेब, ठीक है, और वहां सर्च कर लीजिए, पहले बनाए मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस करिएगा नहीं, क्राइम है ना, और हम डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव पे जाएंगे। ये रैंसमवेयर एज ए सर्विस, भाई मेरे को पैसा दो, दो के लिए रैंसमवेयर मैं खरीद देता हूँ, हाँ एज ए सर्विस हो गया, और तो नहीं हो रहा कोई, और भी चीजें हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जनरली हाउ टू क्रिमिनल इंस्टॉल द मॉलवेयर, मॉलवेयर इंस्टॉलेशन इज द इजीएस्ट वे, स्पेशली हम इंडियंस के लिए, हम इंडियंस के लिए तो बहुत ज्यादा इजी है मालवेयर इंस्टॉल करना, और हम हमारे सिस्टम में बता रहा हूं मैं आपको, जितने हमारे लैपटॉप हैं, क्यों परचेज हम जानते नहीं होता, परचेज तो जानते ही ना, अभी मैं आपको बोलूं कि आप विंडो परचेज कर लो या ऑफिस परचेज कर लो, कितने लोग करेंगे, कोई करेगा ना, 25,000 कौन लगाएगा ऑफिस के लिए, जब मुझे नैनो प्लेस में एक सीडी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, 100 रुपए में मिल जाता है, नहीं भी करूंगा तो मैं क्रैक ढूंढ लूंगा, ऑनलाइन क्रैक ढूंढ लूंगा, मिल जाएगा ना, तो क्यों मैं 25,000 पे करूंगा, पहला सबसे बड़ी दिक्कत, हम लोग पायरेटेड यूज करते हैं, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, दूसरी प्रॉब्लम हम लोग बिलीव बहुत जल्दी कर लेते हैं कि मेरी इतने लाख की लॉटरी लग रही है, हाँ क्लिक करें, मेरी जॉब ऑफर आया है, ठीक है, या मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, एक अभी रिसेंट का एक मैं आपको लाइव बताता हूँ, किसान पढ़ा लिखा बिजनेस चला रहा है, ठीक है, मेरा फ्रेंड है, उसको बाहर की किसी एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद में तो बातचीत शुरू हुई, ठीक है, जान पहचान बातचीत शुरू हुई, होते होते उसने बोला कि मैं यहाँ से यूएस से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है, ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ, नहीं नहीं हुआ है कि मैंने गिफ्ट खरीदा है आईफोन एक्स, आईपैड और कौन सा आता है वो लैपटॉप जो आता है आई वाला, मैकबुक ना, मैकबुक मेगा वाला खरीदा है, उसके अलावा बैग पर्स गुची के खरीदे हैं, हाँ और ये सब मैं तुम्हें भेज रही हूँ गिफ्ट में, अच्छा साहब भेजो,
हम लोग तो कोई बात नहीं ग्रीडी है भेज दो। अब कुछ दिन बाद मैसेज क्या आता है कि ये एक कूरियर स्लिप है जो मैंने यहाँ से मेल कर दिया है, अब वो आपको रिसीव करना है, मेरा काम तो हो गया ना पूरा। फिर दो से चार दिन बाद फोन आता है उसके पास कि हम कस्टम से बोल रहे हैं आपका एक कंसाइनमेंट आया हुआ है इस नंबर का, आपको कंसाइनमेंट का क्या क्या आइटम है तो ये बताने हैं इसके अंदर, और उतना ही आपको ड्यूटी पे करनी है, ठीक है। और उसमें अगर कुछ लोग घनिष्ठता पे आ जाएंगे तो फिर ड्यूटी भी पे कर देंगे, और ड्यूटी पे कर देंगे तो बटा वे से वो आइटम तो कभी थे ही नहीं, जब आइटम थे ही नहीं कभी वो स्लिप फेक थी तो आपको कभी आइटम मिलेंगे। तो हम लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इंडियंस, हम लोग रीजन है बहुत सारी तरीके से हम लोग पे अटैक होता है और हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीज हो रही है और ये हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरे हम लोग जब पढ़ते हैं ना, आपने एक स्लाइड देखी थी वीडियो में एक स्लाइड थी जिसमें था कि फर्स्ट ईयर में जो पढ़ोगे उसका हाफ थर्ड ईयर तक जाते हुए खत्म हो जाएगा, देखा था पढ़ा, ठीक। तो इसका मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमें बाद में कितना यूज आएगा पता नहीं है। और एक स्लाइड और ठीक है, जो जॉब्स आज की डेट में मोस्ट डिमांडिंग है 10 साल पहले थी ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था, ठीक। तो बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं। रैंसमवेयर में कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के आपके रैंसमवेयर जनरली, मतलब उसको ब्रॉड अगर हम वे में देखें तो तीन टाइप के हैं, फर्स्ट इज एन्क्रिप्शन, लॉक स्क्रीन और एनडीआर। तीनों में आपको बता देता हूँ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी ताकि कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो कि क्या होता है। एन्क्रिप्शन रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपका ही सिस्टम, आपका ही मोबाइल, मैंने क्या किया उस मोबाइल पर एक्सेस लिया, एक्सेस करने के बाद में डेटा को एन्क्रिप्ट कर लिया। आप जाओगे अपने सिस्टम पे ओपन कर सकते हो, सिस्टम ओपन करने के बाद में सिर्फ मैं आपसे बोलूंगा कि आपका डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में है, आपको अगर आपका ही डेटा चाहिए खुद का तो आप मुझे इतने बिटकॉइन दे दो, दैट इज द फर्स्ट, ठीक है। डेटा मैं उसमें आपको, मतलब मैं आपको डिक्रिप्शन की तब दूंगा जब आप मुझे डेटा पैसा दोगे तब है। ये हम लोगों के लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो डेटा साइंटिस्ट हैं या जो बहुत सारा डेटा अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रखते हैं, उनके लिए बड़ा इशू है। सेकंड टाइप है लॉक स्क्रीन रैंसमवेयर, ये तो आपने देखा होगा गुजरात में हुआ था, न्यूज में भी आया था, देखा है नहीं देखा था कि गुजरात में हुआ था कि कंपनी के ऑफिस में सर्वर पे ऑन ही नहीं हो रहा है, और ऑन हुआ तो उसमें लिखा हुआ क्या है, योर सर्वर हैज बीन हैक्ड, यू नीड टू पे दैट मच ऑफ रैंसमवेयर इन फॉर्म ऑफ अ बिटकॉइन टू गेट द की, यू हैव दैट मच ऑफ आवर्स, अगर इतने घंटे में आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं इसको खत्म कर देंगे, ये वाला जो स्क्रीन होती है ये जो मतलब एक घड़ी चल रही थी उसमें कि इतने घंटे में आपको देना है। थर्ड आपका जो रैंसमवेयर अटैक है वो है आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड, मतलब सिस्टम ही ऑन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बूट प्रोसेस है, वो बूट प्रोसेस में ही अगर हमने चेंज कर दिया तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, सिस्टम ऑन नहीं होगा तो प्रॉब्लम। दैट इज ब्रॉडली तीन तरीके से ही होते हैं। इसमें इनिशियल लेवल पे एक ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है, वो ये होता है कि भाई मतलब मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, करके देखना चाह रहा हूँ, हैंड्स ऑन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसी में कुछ मुझे पैसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बाद में फिर वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ मुड़ जाते हैं, देखा है ना वो कौन सी मूवी में भी हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में यही सब दिखाते हैं कि एक बच्चा पहले चोरी करता है, चोरी करने के बाद में वो बड़ा किंग। जैसे यहाँ पे दिखा रहा था ना, जो कंप्यूटर है लॉक, तो ये आपका सेकंड टाइप है लॉक वाला जो है, ठीक है। आप सिस्टम ऑन ही नहीं कर पा रहे, पहले में तो ऑन तो कर पा रहे हो कम से कम, अभी ऑन ही नहीं कर पा रहे, और आप फॉर्मेट भी कर लीजिए कुछ नहीं होगा, आपका डेटा तो चला ही गया। एक क्रिप्टो लॉकर है जिसमें बिटकॉइन कोई बिटकॉइन की फॉर्मेट में होता है क्रिप्टो लॉकर आपका, जैसे ये स्क्रीन जो मैं दिखाना चाह रहा था, इस टाइप से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, उसमें ये घड़ी चल रही है,
ठीक है, आपने देखा है वो जैसे फिल्म में भी होता है कि आपका ये एक्स वाई जेड जो है वो उसको हमने किडनैप कर लिया है, आपके पास इतने समय है, पैसा दे दो तो छोड़ देंगे, नहीं तो हाँ। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या पैसा देने के बाद वापिस छोड़ देंगे? इतना चांस लेना नहीं चाहती क्योंकि उनका बहुत सारा डेटा है, अगर वो एक बार भी हैक हो गया तो दिक्कत है, तो वो चांसेस लेना नहीं चाहती, इसलिए वो पे कर देते हैं, चुपचाप तरीके से पे कर देते हैं। आपने कुछ दिन पहले, कुछ दिन कुछ साल पहले सुना होगा iCloud पे भी हैक हुआ है, पर एक ही बार अटैक हुआ है iCloud पे, सुना है कि नहीं? इसमें बहुत सारे हीरो हीरोइंस मतलब हॉलीवुड वाले ने उनके फोटोग्राफ वीडियोस पब्लिकली आ गए थे सारे, देखा कि नहीं वो? सुना तो वो भी हैकिंग का ही चीजें हैं। बहुत बार हमारे चीजों को लेके जैसे गूगल है या याहू है या जो भी हमारे डेटा जो रखते हैं क्लाउड्स हैं उन पर अटैक होते हैं ठीक, बट वो पब्लिकली नहीं आते हैं कि सेटलमेंट अंदर ही हो जाता है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे जो जो ये फिरौती वाले होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते कि कितने में सेटल हुआ होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो न्यूज़पेपर में भी नहीं आते हैं, वो क्या हुआ हुआ, होने के बाद आपस में ही सेटल हो गया कि इतने में हो गया सब कुछ ठीक ठाक हो गया। यही चीजें होती है बकायदा डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होती है। ये है बिगेस्ट साइबर अटैक। अभी ये देखिए मैं बता रहा था आपको, बाय द एंड ऑफ 2017 इट वॉज अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन। अगर एक हैकिंग इंडस्ट्री $5 बिलियन की है तो सोच के देखिए कितना पैसा होगा, लिक्रेटिव है, अच्छा लग रहा है सुनने में, दिक्कत नहीं है। कौन कौन से अटैक 2017 में हुए थे मैंने कुछ यहाँ आइडेंटिफाई करके लिखे हैं कि कौन से हुए थे। इसमें सबसे बड़ा आपका वाना क्राई का मैंने बताया भी है कि ये एक ग्रुप है नॉर्थ कोरिया का, वहाँ से आया था। दूसरा आपका जो नॉर्थ पेटिया ये रशियन ने जनरेट किया था, और आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, रशियन ने सबसे पहले अपने बैंक पे अटैक किया ये दिखाने के लिए कि देखो हम पे अटैक हुआ सबसे पहले ठीक, और उसके बाद बाकी एशियन कंट्रीज पे वो आए बाकी जगह है, रशियन और इजराइल। अगर आपको कुछ भी हैकिंग से रिलेटेड करना हो तो सर्च कर लीजिए रशियन हैकर्स और इजरायली हैकर्स, सब हो जाएगा जो चाहिए, बहुत सारे थे ठीक है। गेम के नाम से क्योंकि हम लोग पार्ट ऑफ गेम है, गेम नया आता है ना तो जल्दी से पोकेमन गो 19 दिन के अंदर फेमस हो गया, सब लोग भागे फिर रहे क्या कर रहे हो कि मैं पोकेमन को पकड़ रहा हूँ, खेला गेम नहीं खेला ये वाला। अभी एक गेम वो भी था ना कि वो खुद को लास्ट स्टेज पे जाके और अभी उसका भी कोई छोटा भाई आया नया पबजी में मरता जाए पबजी में मरता नहीं है, पबजी तो मतलब खेल रहे लोग हम लोग पेड़ चाल में बहुत जल्दी मरते हैं ना। कैसे करना चाहिए अपने आप को कैसे सेव करें, देखो मैं यहाँ जो लिखा है उसके अंदर मैं आपको जनरल बताता हूँ अपने आप को कैसे सेव करना चाहिए। पहली चीज जो हम लोग नहीं करते हैं कर देनी चाहिए वो है कि जब आप सिस्टम परचेज करें ना उसको बिना विंडो के मत खरीदिए। आजकल आपने देखा होगा बिना विंडो के 5000 सस्ता मिल जाता है, विंडो के साथ में लगभग 30-35-35000 तक मिलता है, आप ओरिजिनल विंडो ले लीजिए परचेज क्योंकि हम लोग कर नहीं पाए ठीक है। और अभी जब आप ओरिजिनल विंडो लेंगे ना ऑफिस साथ में आता है ठीक है, तो आपके पास सबसे बढ़िया चीज हो गई कि 5000 देने के बाद में दोनों चीज ओरिजिनल हो गई और उसको आप अपडेट पे लगा दीजिए। हम लोग अपडेट नहीं करते हैं, आपको पता है रैंसमवेयर अटैक सिर्फ विंडो पे हुआ था लिनक्स पे नहीं हुआ था, और विंडो पे भी उस पे हुआ था जिनके विंडो अपडेटेड नहीं थे, क्योंकि हम लोग पायरेटेड यूज करते हैं तो अपडेट हम कर नहीं पाएंगे। बस पहली चीज तो ये कर लीजिए कि अपना जो सिस्टम है वो आप विद विंडो परचेज कर लीजिए, 5000 ज्यादा देना पड़ेगा और लगेगा। दूसरी चीज चाहे मोबाइल पे यूज करें या आप कहीं पे भी यूज करें अपनी फेसबुक व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वीकली एक बार लॉग आउट कर लीजिए, क्योंकि अभी इनकी कुकीज में एक कोडिंग जो है वो ये है कि अगर आपने एक भी किसी विंडो से लॉग आउट किया किसी भी एक जगह से लॉग आउट किया सारी जगह से लॉग आउट हो जाएगा।
सारे सोशल मीडिया है, ठीक है, उसके अलावा जैसे जीमेल की है या आपके और भी जो मेलिंग सर्वर्स हैं, एक बार वीक में सिर्फ एक बार 2 मिनट का समय लगना है, लॉग आउट करिए, दोबारा फिर लॉग इन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार लॉग आउट जरूर करिए। थर्ड, एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस परचेज कर सकते हैं तो परचेज वाला खरीद लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो विंडो डिफेंडर आता है, है ना, विंडो डिफेंडर ही यूज करिए, लेकिन करिए पायरेटेड यूज नहीं करिए, पायरेटेड बिल्कुल छोड़ दीजिए, पायरेटेड तो हम जानते कि ये बिल्कुल ये मान लीजिए, ठीक है, अपने आप को अगर सेव करना है अपने डेटा। और नेक्स्ट ये कि इंटरनेट का जितना कम से कम यूज कर सकते हैं वो करिए, जब हमसे नहीं होगा। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो कुछ लिखा है कि जनरली जो नेम्स होते हैं .exe करके होता है, और दो तीन नेम है, रेंडम अल्फा न्यूमेरिक होगा या आगे और पीछे ना अपोस्ट ये लगा होगा, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगे होते हैं, 3 आगे 3 पीछे कुछ भी होता है .exe, वो आप बाय डिफॉल्ट डिलीट मार दीजिए, शिफ्ट ऑल डिलीट, उसको नहीं रखिए सिस्टम पे। तो प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम हम लोगों के साथ भी है, हम कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद भी एक सेल्समैन से जाकर पूछते हैं इस कंप्यूटर में अच्छा क्या है, वो ना बस बता पाएगा कौन कौन सी बसेस हैं इसमें, उसके आरपीएम कितना है हार्ड ड्राइव का वो नहीं बता पाएगा, वो कह रहा है ये बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है आप इसको ले लीजिए, क्या क्या है इसमें, कि इसमें इतने जीबी रैम, 8 जीबी रैम है, 1 टीबी की हम हार्ड डिस्क दे रहे हैं, और क्या होता है, ग्राफिक कार्ड है 2 जीबी का, आप गेम बुक खेल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, आईफाई सिस्टम है, ठीक है, उससे ज़रा ये पूछो कि आईफाई 7 और 8 जनरेशन का डिफरेंस क्या है, हम लोग खुद नहीं करते, एक्चुअली में गड़बड़ी है कि हम लोग लिटरेसी के साथ इलिटरेट हो जाते हैं अपने आप, नहीं होना चाहिए, मेरे पर्सनल व्यू में नहीं होना चाहिए, आपसे ज्यादा वो सेल्समैन नहीं बता पाएगा ना, आप लोग टेक्निकलिटीज जानते हो, वो सेल कर रहा है, उसको लिख के आया है कि क्या क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है, हिडन फाइल्स डिलीट कर दीजिए, विंडो एक्सपी 7 में, विंडो 10 में जो होती है उनको भी डिलीट कर दीजिए, अपने सिस्टम पे जो आपका टेम्पररी फोल्डर्स होते हैं, टेम्पररी फाइल, उसको हटाते रहिए, कुकीज हटा दीजिए, ठीक है, जनरली वीक में चाहे एक बार करिए, बट करिए, ये डिलीट करिए, चाहे अपने मोबाइल में भी और अपने सिस्टम में दोनों। कुछ वेज हैं जिसके तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको डेटा रीस्टोर लिखा हुआ है ना, .exe हो सकता है, .exe हो सकता है, ये रैंसमवेयर में आते सारे रिसेंट अटैक इसमें कि नहीं, एप्पल्स न्यू आईफोन लॉन्च भी डिलेड, सुना है नहीं सुना, क्यों, क्योंकि इनके जो मैन्युफैक्चरर है, जो जो इनका चिप बनाती है ताइवान की कंपनी, उस पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, इसकी वजह से इन्होंने जो अभी लॉन्च हुआ है ये डिलेड लॉन्च है, ये पहले लॉन्च हो जाता सिर्फ और सिर्फ उनके चिप मेकर की वजह से वो डिलेड हुआ, तो बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक हैं जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हम लोग जिस दिन अफेक्ट होंगे उस दिन हमें पता चलेगा कि वाकई में हम लोग गड़बड़ हुए हैं, और जो वर्ड ज़ॉम्बी है ना, मैं अपने लास्ट में स्लाइड में आपको जरूर बताऊंगा कि हम ज़ॉम्बी से कैसे बच सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि हम ज़ॉम्बी हैं क्या। ज़ॉम्बी में सबसे बस यही है कि आप कोई भी जो मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आप चाहे गूगल पे यूज करें या आप एप्पल में यूज करें, मतलब फोन में चुकी यूज कर रहे हैं अपन, या आप अपने सिस्टम में भी यूज करें, उसमें अगर हम क्रोम की बात करें तो इनकॉग्निटो होता है ना, और अगर हम एप्पल की बात करें तो एक सिक्योरिटी होता है, सिक्योर करके आता है अलग से, ठीक, तो अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करनी है तो उसमें करिए, जनरल नहीं करिए, मतलब टोरेंट वगैरह अगर खोलना है ना तो वो वहां खोलिए, टोरेंट वगैरह खोलना है तो वहां खोलिए। दूसरी बात, अगर आपको ये एहसास हो गया है कि एक गलत जगह क्लिक हुआ है मेरा, है ना, सबसे पहला काम करिए सारी विंडोज बंद कर दीजिए जो भी है, और हिस्ट्री क्लियर करिए, कुकीज डिलीट करिए, टेम्पररी फाइल्स हटा दीजिए,
जाएंगे, बच काफी हद तक बच जाएंगे। ठीक है, लॉग आउट आपको चूंकि हर जगह से करना पड़ेगा, मतलब एक जगह कर लेते तो हर जगह से लॉग आउट हो जाएगा, तो जो ऑथेंटिकेटेड कुकीज हैं वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी अगर किसी के पास गई है। ठीक, अगर आपके सिस्टम में वो आके बैठ गया है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसका तो एक ही इलाज है कि आप नेट का प्लग हटा दीजिए, ठीक, और उसमें मूवीज देखिए, और कुछ नहीं उसका। थैंक यू सर, पूछिए कुछ पूछना। क्योंकि मन की बात नहीं थी। Any queries from your side? ना 11 बजे ऐसे ही होता है ना, चुपचाप आते हैं और पूछिए। जो फेलोज इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे फोन पे, कई बार एप्लीकेशंस के साथ ही बैकग्राउंड में, उन्हें कैसे डिटेक्ट करें? क्योंकि वो इंस्टॉल हो जाते हैं, मैंने इंस्टॉल कर दिया पर उनकी फाइल सेव हो जाती है। आप अपने जैसे फोन के अगर बात करें, चाहे एप्पल हो या आपका जब भी आप ये करते हैं ना एंड्रॉइड वाला करते हैं, तो जितने भी आप गेस कर देते हैं सीधे अलाउ कर देते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, उसको सब चाहिए ना, जैसे दो एग्जांपल देता हूँ। एक हम लोग ट्रू कॉलर यूज करते हैं, क्या मैंने उसको डेटा अपना दिया है? नहीं दिया ना, वो मेरा नाम भी जानता है, मेरी ईमेल आईडी भी जानता है, मैं कब एक्टिव था वो भी जानता है, सब रिकॉर्ड है उसके पास, सारी कॉल डिटेल है मेरी, कैसे है, मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा। हर सिस्टम में वो एक्सेस मांगकर हम यस कर देते हैं कि हमें वो ऐप चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो ये जो जब भी हम यस करें तो उसको जरा देख लें कि हम कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इसी का ही, एक आई कैलेंडर करके एक ऐप था एंड्रॉइड का, आई कैलेंडर। कैलेंडर को क्या क्या परमिशन चाहिए, क्यों कैलेंडर को कोई परमिशन नहीं चाहिए? कैलेंडर को मेरे फोन बुक की कोई परमिशन कैलेंडर को नहीं चाहिए, कैलेंडर को फोन कॉल और रिसीव की कोई परमिशन मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। इट्स अ नॉर्मल कैलेंडर, हाँ करता है। आई कैलेंडर में यही हुआ था, चाइना का ऐप था, आपकी हर 5 कॉल पे एक SMS डिलीवर होगा चाइना में, आपका पैसा कटेगा और जो पैसा कटने का मैसेज होगा वो स्टॉप था, वो आप तक पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कब कब पैसा कितना कट गया। अलाउ करते वक्त देखिए आईफोन वालों के पास कोई चॉइस नहीं, बाय डिफॉल्ट है। लेकिन एक चीज अच्छी है, आईफोन की ऐप आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी ना, एंड गूगल की इसकी एंड्रॉइड की आपको मिल जाएगी। बट अभी वे लोग भी थोड़ा सा सिक्योरिटी के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योरिटी कब है? जब आप सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं। आप अपने फोन में कुछ भी यूज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल मीडिया ऐप नहीं कर पाएंगे हम लोग, आदि हो गए मजबूरी। और कोई It is possible to access camera and microphone when screen is off.